हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल में आप कोई भी ब्लड टेस्टिंग करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट को आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं तो यही प्रोसेस आपको वहां पर भी फॉलो कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर टाइप कर लेना है ors.gov.in, देन उसके बाद एंटर कर लेना। यहां पर आपको पहला लिंक मिलेगा, इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा लैब रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे हॉस्पिटल, यहाँ पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारे हॉस्पिटल यहाँ पर नजर आएंगे। तो जहाँ आप देख सकते हैं एम्स दिख रहा है, एरिया हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट, सारे हॉस्पिटल यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अगर आपका हॉस्पिटल इसके अंदर आता है तो आप यहाँ से रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं ऋषिकेश एम्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक UHID नंबर डालना होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसी पे ही UHID नंबर लिखा रहता है, और या फिर वहाँ पर हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को भी डाल सकते हैं, या फिर UHID नंबर हो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम UHID नंबर को डाल लेते हैं। तो गाइज, मैंने यहाँ पर अपना UHID नंबर डाल लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर को भी फिल कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फिल कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक OTP आपके पेशेंट के आधार कार्ड पे जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उस नंबर पे एक OTP जाता है, उस OTP को यहाँ पर आपको डाल लेना है। तो यहाँ पर हम OTP को डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने OTP यहाँ पर डाल लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पेशेंट की सारी डिटेल शो होती है। यहाँ पर आप अपने पेशेंट की डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी सारी रिपोर्ट यहाँ पर आपको शो हो जाती है। तो राइट हैंड साइड पे आपको व्यू का ऑप्शन मिलता है, देन इसके यहाँ पर आपको प्रिंट का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली प्रिंट करके आप डॉक्टर को दिखा भी सकते हैं। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। आपको क्या है, देखिए जब भी आप कहीं नए नए ब्लड टेस्टिंग कराते हैं तो आपको क्या है, रिपोर्ट 24 घंटे बाद मिलती है। यहाँ पर भी 24 घंटे बाद ही आती है, बट आपको क्या है, हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ता। इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाता है और आप डायरेक्टली प्रिंट करके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो सो गाइस, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं एनी टाइम एनी वेयर। तो और प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके आप किसी भी डॉक्टर को या फिर आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।